नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र और आज हम बात करेंगे फिल्म द आर्चिस। आइए बात करते हैं फिल्म की स्टारकास्ट की। द आर्चिस नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। फिल्म में खुशी कपूर, सुहाना खान और अगस्त्यानंदा लीड रोल में है, जबकि फिल्म को डायरेक्ट किया है जोया अख्तर। आइए बात करते हैं द आर्चिस की कहानी। द आर्चिस की कहानी बहुत ही सिंपल है। कुछ दोस्त हैं जो रिवरडेल में रहते हैं, जिनके बीच में इश्क भी है, लेकिन इसके साथ उनके सामने एक समस्या है, ग्रीन पार्क। ग्रीन पार्क जिसके ऊपर कुछ लोग शॉपिंग प्लाजा बनाना चाहते हैं, लेकिन इन बच्चों की जिंदगी या कहें कि पूरे रिवरडेल की जिंदगी किसी न किसी तरीके से ग्रीन पार्क से जुड़ी हुई है। इस तरीके से फिल्म की कहानी को बहुत ही सिंपल रखा गया है, या ये कहें कि फिल्म की कहानी कहीं नजर ही नहीं आती है। सिर्फ इसमें स्टार किड्स को दिखाने के लिए एक दुनिया बनाई गई, कॉमिक्स की एक दुनिया रची गई, उसके जरिए कुछ पुरानी चीजों को दिखाने की कोशिश की गई। फिल्म के सीन भी कहीं ना कहीं कुछ जगह देखे और जाने बचाए लगते हैं। अब बात करें द आर्टिस्ट के उन कैरेक्टर की जिनको लेकर ये कहानी गढ़ी गई है। उनके अंदर ना गहराई है, सुहाना खान है, खुशी कपूर है और अगस्त्यानंदा है, और तीनों का हाथ एक्टिंग में काफी तंग नजर आता है। कहानी के नाम पर या कहें कि जोया अख्तर ने इन तीनों से जो भी फिल्म में करवाया है, वो कई सीन में बहुत ही हास्यास्पद सा लगने लगता है। कहानी कभी रोमांस में तब्दील होती है, कभी एक पार्क को बचाने पर जाती है। इस तरीके से कहानी भी बीच में कहीं ना कहीं झूलती रहती है, और ये फिल्म देखकर यही लगता है कि आखिर जोया अख्तर ने इन तीन बड़े फिल्मी घरानों के तीन स्टार किड्स को इस फिल्म से लॉन्च करने का फैसला क्यों लिया। आइए बात करते हैं डायरेक्शन। जोया अख्तर बॉलीवुड को शानदार किरदार और फिल्में देने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, अगली बॉय जैसी फिल्में बनाई हैं, तो वो आर्टिस्ट बनाने के पीछे उनकी क्या सोच थी, इस पर बहुत ही बड़ा सवालिया निशान लग जाता है। उन्होंने तीन स्टार किड्स को लिया, कहानी भी ली, ना तो वह स्टार किड्स से एक्टिंग करवा पाई और ना कहानी दमदार ला पाई। कुल मिलाकर कॉमिक्स की दुनिया को पर्दे पर उतारने की एक उनकी कोशिश है, जिसके अंदर किरदार मिसफिट है, एक्टर कहीं भी कुछ रंग नहीं जमा पाते और कहानी कहीं भी दिल को छू नहीं पाती है। बतौर डायरेक्टर जोया अख्तर यहाँ बहुत ही ज्यादा निराश करते नजर आते हैं। आइए बात करते हैं एक्टिंग की। सुहाना खान शाहरुख खान की बेटी है। शाहरुख खान की इस साल दो बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर फिल्में आ चुकी हैं। क्या शाहरुख खान ने सुहाना खान की एक्टिंग आर्चिस में देखी, ये एक बड़ा सवाल है। इसके बाद हम बात करते हैं खुशी कपूर की। खुशी कपूर बोनी कपूर और श्रीदेवी की बेटी हैं, और एक्टिंग में हाथ उनका भी तंग नजर आता है। सुहाना खान और खुशी कपूर पूरी फिल्म में कहीं भी ना तो किरदार में सेट बैठती है, ना ही वो एक्सप्रेशन दे पाती है। उनकी डायलॉग डिलीवरी भी बहुत ही ऑड सी लगती है। फिल्म में अगर हम कहें कि अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्यानंदा जो थोड़ा सा इंप्रेस करते हैं, आने वाले समय में उनको कुछ और शानदार किरदारों में देखा जा सकेगा, क्योंकि उन्होंने झलक दी है कि वो एक्टिंग का ए तो शायद जानते हैं, बाकी फिल्म के जो स्टार किड्स हैं शायद उन्हें एक्टिंग की ABCD सीखने के लिए काफी मेहनत करते हैं। आइए बात करते हैं वर्डिक्ट की। द आर्चिस OTT पर रिलीज हुई है, यह स्टार किड्स का सौभाग्य है। अगर ये फिल्म हॉल पर रिलीज होती तो इसका हश्र सोचा जा सकता था। एक्टिंग के मामले में सबका हाथ तंग है, डायरेक्शन के मामले में जोया अख्तर ने बहुत ही कंजूसी बरती है। कुल मिलाकर इस फिल्म को देखने के लिए सब्र और हिम्मत दोनों चाहिए। इस फिल्म को अभी हमारी तरफ से कोई भी स्टार नहीं। फिर मिलते हैं नए फिल्म और नए रिव्यू के साथ। शुक्रिया दोस्तों।